अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं अरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तदी खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आ जा पाए। बस थैंक यू वेरी मच अरजू जी, आपको सलाम और आपके सुनने वालों को भी मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम। थैंक यू सो मच सर, हम आपका भी यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं, उस पे बड़ी अच्छी वीडियोस आप लगाते हैं, आप अपनी भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो वहां पर हम देखते रहते हैं। और आज सर हम आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान हो या भारत, कोई भी गवर्नमेंट शुरू से आप देख लीजिए, चाहे मुशर्रफ साहब की हो, वाजपेयी साहब की हो, या इमरान खान हो, लास्ट जो हमारी अभी गई है, और मोदी जी, कभी भी कश्मीर के इशू पे क्यों पीस टॉक नहीं हो सका या कोई हल क्यों नहीं निकलता? देखिए, जो मेजर डिस्कशंस हुए थे वो शिमला एकॉर्ड्स में ही रिलीज हुए थे, और शिमला एकॉर्ड्स के जो रूल्स थे कि एटलीस्ट जो इंडिया का विजन है कि इट वाज कि ये मसला बायलैटरल मसला है, यानी ये दो मुल्क आपस में बैठ के इसको तय करेंगे कि क्या हो। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान ने उसको मुसलसिल इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है, नंबर वन। नंबर टू, और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये दो चीज़ें हो रही हैं। देखिए, इन प्रिंसिपल जब तक कोई कुछ भी नहीं हो रहा, यानी स्टेटस को तो मेंटेन हो रहा है ना मुसलसिल कई सदियों से, यूं कह सकते हैं कि 1948 से मोर और लेस स्टेटस को वैसे ही है इंडिया पाकिस्तान के साइड का बॉर्डर। सो फॉर इंडिया, टाइम इज ऑन इंडिया साइड। जनरेशन बदल रहे हैं, लोगों के व्यूज बदल रहे हैं, इंडिया इज गेटिंग रिच, और ये अजम्पशन है कि अगर कश्मीर प्रॉस्परस हो गया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने ट्विटर पे एक नक्शा लगाया था इंडिया का, अभी भी है वो, लोग जाके देख सकते हैं। उसमें पर कैपिटा कार्स, कौन से इंडिया के स्टेट में पर कैपिटा पर पर्सन कितने कार्स हैं, तो इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा कार्स पर पर्सन कश्मीर में थे। सो इट डजंट से कि कश्मीर इज नेसेसरीली मोर, शायद कार की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो, बट वट इंडिया की अजम्पशन है कि जैसा जैसा इंडिया प्रॉस्परस होते जाएगा, जैसा जैसा ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कश्मीर को भी प्रॉस्परस करेगी, कश्मीरीज विल वॉन्ट टू स्टे मोर विथ इंडिया देन गोवा। तो ये सो इंडिया, टाइम इज ऑन इंडिया साइड, सो इंडिया डज नॉट वॉन्ट to have any international conference या कोई ऐसी चीज हो जिसपे decision मजबूर हो। और इंडिया को अब कौन मजबूर करेगा, मतलब जंग तो ट्राई कर ली पाकिस्तान ने, और कुछ तरीका नहीं है। सो इट इज ऑन इंडिया साइड, द ओनली थिंग इंडिया का मसला ये है कि ये जो बॉर्डर पे टेररिज्म मुसलसिल होते रहते, मैं देखा था उसका डेटा, तकरीबन 300-290 के ऊपर एवरेज कर रही है पाकिस्तान हर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हर साल, और 30 से लेके 50 तक इंडियन फौजी मारे जाते हैं, और सिविलियंस भी 25-30 मारे जाते हैं हर साल। सो इट इज ए सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, और इट्स ऑल्सो ए कॉस्ट ना इंडिया के लिए, इतनी बड़ी फौज वहां पे मेंटेन करें, कॉन्स्टेंटली ये चलते रहता है। सो दैट इज ए सोर्स ऑफ इरिटेशन एंड एक्सपेंस इंडिया के लिए। तो पाकिस्तान तो कोशिश कर रहे जा रहा है, तो पाकिस्तान is not interested in peace, is interested in getting Kashmir. तो अगर वो बात और टेबल पे भी आएगा तो बोलेगा कि हमको कश्मीर दो, which India is going to say no, तो फिर बात क्या करें? Like, is there a third position? So for example, अगर आप अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को ले लें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन सबको पता है क्या है, एंड देर आर उसमें बीच में थोड़े nuanced positions हैं। तो इफ देर इज अ डायलॉग वी कैन, मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ कि क्या डिस्कशन किया जाएगा ऑन डे वन, डे टू, थ्री, इफ देयर इज इट। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया विल से कि आप अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप खत्म करो, और ये क्या करेंगे? तो वो जो आप रिसेंटली देखे ना, ये जो हामिद मीर साहब की जो रेवलेशन आई हैं कि इंडिया और पाकिस्तान वेर अबाउट टू मेक एन अनाउंसमेंट, के इंडिया के तरफ से अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया। इंडिया में एक दो आर्टिकल्स छपे हैं जो वो ओरिजिनल पीस को एनालाइज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक दो चीज फैक्टर्स चेक कर सकते हैं कि अजीत डोवल की मुलाकात हुई या नहीं हुई उनके काउंटर पार्ट से। तो उसके जो टर्म्स देख रहा था मैं, जो कह रहे थे कि, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वेर के
के बेसिकली फ्रीज कर दें 30 ईयर्स तक और उसके बारे में कुछ बात ही ना करें. आई मीन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया वांट्स, ना कि भाई 30 साल तक तो कुछ भी डिस्कशन नहीं होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी और कश्मीरी इट कुड बी एन एंटायरली डिफरेंट. और अगर पाकिस्तान की तरफ से आइडियोलॉजिकल मटेरियल और वेपन्स का इन्फ्लक्स नहीं होता 30 साल तक कश्मीर में, तो आई थिंक देयर विल बी नो इंसर्जेंसी, नथिंग लेफ्ट इन कश्मीर. तो वो टर्म्स से ही मुझे लग गया कि दिस इज प्रोबेबली नॉट ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज सो वन साइडेड. और पाकिस्तान की तरफ से बस यही डिमांड था कि वो 35A को रिपील कर दे, यानी जो प्रॉपर्टीज वगैरह सिर्फ कश्मीरी खरीद सकते हैं कश्मीर में, उसके ऊपर था. सो आई एम नॉट श्योर के दैट इज ए वेरी रियल डॉक्यूमेंट. ये जनरल बाजवा ने प्रोबेबली लीक की है, ये दे मस्ट हैव बीन डिस्कशंस, उन्होंने थोड़ा बहुत उसको कॉस्मेटिक्स में डाल कर दिया है. बट आई हैव अ फीलिंग के जब तक के दोनों मुल्कों को जरूरत नहीं पड़ी टू नेगोशिएट ऑन दिस, तो आई हैव अ फीलिंग के दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज जो पाकिस्तान की एलिट है उनके लिए कश्मीर मसला बिकम्स ए वेरी गुड वे ऑफ जस्टिफाइंग देयर इनकॉम्पिटेंट गवर्नेंस. काम तो होता नहीं है लेकिन हम कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. और आप देखें जब भी गवर्नमेंट्स के बीच में पीस की बातें होती हैं, इमीडिएटली कुछ ना कुछ एपिसोड हो जाता है, जैसा कि पुलवामा का. कहते हैं कि ये जो करंट जो 20 सीरीज ऑफ डायलॉग्स थे, दे वर अपसेट बिकॉज ऑफ पुलवामा के वजह से शायद. तो ये कौन कर रहा है? या तो एस्टेब्लिशमेंट खुद सबोटाज कर रही है अपनी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी को, या जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनकी इतनी आजादी है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को वो सबोटाज कर रहे हैं. तो इन बोथ केसेस अगर बाजवा वाज द लीडर इन द लास्ट नेगोशिएशन, फिर यू कांट से कि एस्टेब्लिशमेंट खुद उसको सबोटाज कर रही है. सो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि आप दोनों चीजें कैसा कर सकते हैं. एक हाथ आगे दोस्ती का बढ़ाते हैं, दूसरे हाथ से थप्पड़ मारते हैं. सो दैट इज दी एनिग्मा इस मसाइल का. और मुझे लगता है द ओनली थिंग दैट विल मेक द टू कंट्रीज कम टू द टेबल इज अ क्लाइमेट डिजास्टर. क्लाइमेट को लेकर अगर कुछ बड़ा डिजास्टर हो जाता है इधर या उधर बॉर्डर पर, विच विल फोर्स वन कंट्री टू कम टू द टेबल एंड मेक कंसेशंस, वरना मुझे नहीं लगता आगे ये इसी तरह इशू रहेगा. और अगर वो बैलेंस ऑफ पावर बढ़ते गया जिस तरह बढ़ रहा है, देन इट विल बी मोर एंड मोर ऑफ ए टेम्पटेशन फॉर इंडिया टू टेक मिलिट्री एक्शन. मतलब वो अनाउंस कर देंगे सर, जी सर, लिमिटेड वॉर है, लिमिटेड गोल है, सो देयर विल बी नो नीड टू रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशनली, वो घुस जाएंगे. सर यहाँ पे एक इम्प्रेशन वैसे ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट में भी जो है वो दो ग्रुप्स बन चुके हैं, और इस वजह से एक ग्रुप कुछ और कहता है कश्मीर के बारे में, दूसरा कोई और बात करता है इंडिया को लेकर, यहाँ पे रोक दिया जाता है, इस किस्म की बात भी होती है. लेकिन सर एक अभी रिसेंटली एक मैप जो है वो इशू किया TTP ने, और उसमें उन्होंने कश्मीर को अपना हिस्सा बताया, जो पूरा उन्होंने एक मैप बनाया कि इसमें पाकिस्तान में ये है वो है, वो जो क्लेम करते हैं. आपका घर भी आता है उनके मैप में, राइट? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है. तो सर उसको आप कैसे देखते हैं कि ये इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए कि ये लोग तो बहुत अजीब से हैं, जो मैं अभी तक समझ पाई हूँ कि किसी भी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. और ये और बात है कि यहाँ से बात की जा रही है कि किसी किस्म के ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएं इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो मैप उन्होंने किया उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो मैप इज वेरी प्रोवोकेटिव, मतलब वो बेसिकली एक नॉर्दर्न पैच वर्क वो डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अपना वॉट एवर दे वॉन्ट टू कॉल इट वो बनाएंगे. देखिए अगर पाकिस्तान सख्ती से पेश नहीं आती TTP के साथ, और and in the process also engage with the Taliban, या तो तालिबान के साथ diplomatic relations इतने strong कर लें कि तालिबान will not support TTP, जो मुश्किल है सोचना, क्योंकि मेरे ख्याल से जो TTP के leaders हैं वो तालिबान के leaders को अपने अमीर का हैसियत देते हैं, so they think they are part of the same जमात. तो TTP will
टीटीपी आपका आईसीस बन जा सकता है, जैसा वो इराक और सीरिया में खिलाफत बना लिया था, वो इस तरह अफगानिस्तान से थोड़ा इधर से पाकिस्तान से लेके, लेकिन क्रिएटेड टेरिटरी। लेकिन जो इंक्लूजन ऑफ पीओके है ना, उसमें जो आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट शोज, मतलब मैं ये पिछले 2-3 हफ्तों से कह रहा हूँ ये बात, कि दे आर बेसिकली क्लेमिंग इंडियन टेरिटरी। इंडिया जो कहता है ना कि ये हमारा इलाका है, वो भी क्लेम कर रहा है टीटीपी। तो एक किस्म से दे हैव नॉट ओनली चैलेंज्ड पाकिस्तान की सॉवरेंटी, बट दे हैव आल्सो चैलेंज्ड इंडिया सॉवरेंटी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया में ये क्यों, मतलब वो इतने इतने खुश हैं कि अरे पाकिस्तान को ये तंग कर रहे हैं कि दे आर मिसिंग द पॉइंट, कि ये हमारी भी सॉवरेंटी ये कर रहे हैं। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। और देखिए, आपको याद है एट द बिगिनिंग जब मुशरफ वगैरह थे, देर वॉज कम बहुत ज्यादा ये ग्रुप्स वेयर फाटा के एरिया में, दे वेर हैविंग फार मोर ऑटोनोमी। अगर आप देखें तो अगर उस तरह की वो ऑटोनोमी डिवेलप कर लेते हैं इस इलाके में, मतलब, और इस्लामाबाद तो बिल्कुल इट बी एट द एपी सेंटर ऑफ दिस स्टेट ना, तो मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपके कैपिटल में ये इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ते रहेंगे। और अगर पब्लिक सिंपथेटिक है, अगर फौज का एक सेगमेंट सिंपथेटिक है, तो बिकॉज इन ग्रुप्स से लड़ने के लिए इंटेलिजेंस बहुत क्रिटिकल है। बगैर इंटेलिजेंस के आप जो है सो यू कैन नॉट फाइट, बिकॉज ये इंटरनल इंसर्जेंसी भी रहेंगी ना, आधा अंदर है आधे लोग बाहर है। तो जो बाहर वालों को तो आप खाली ब्रूट मिलिट्री फोर्स से आप लड़ सकते हैं, उन पे बमबारी कर सकते हैं, उन पे फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर है, आई मीन हाउ डू यू नो के सिटीजन कौन है और टेररिस्ट कौन है। तो उसके लिए आपको इंटेल चाहिए, और अगर वो इंटेल अगर फौज में, और दूसरी चीज ये है, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ऑटोनोमस नहीं है, वो फौज की है, फौज के अंदर ही है, राइट? के मतलब कभी आप फौज के जनरल है, कभी आप आईएसआई के जनरल है। तो अगर आईएसआई ऑटोनोमस रहती तो इट वुड हैव इवन बीन बेटर कि जो मिलिट्री के डिविजन्स हैं वो उधर क्रीप नहीं होते। लेकिन अब क्या है, आईएसआई में माइट आल्सो बी डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू। तो एक ऑपरेशंस करेगा, दूसरा उनकी मदद करेगा, यू माइट हैव लाइक आईएसआई ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस बैटल, यू नो। मुझे एक अंग्रेज फौजी ने कहा था कि इनिशियल ऑपरेशन जब अफगानिस्तान में हो रहे थे, ही सेड के मैं बहुत परेशान हूँ, हम एक गांव में फायर फाइट हो गए रात को तालिबान के साथ या अलकायदा के साथ, बेसिकली दे वर हैविंग ए फाइट। ही सेस के उधर से भी ब्रिटिश एक्सेंट था, इधर से भी ब्रिटिश एक्सेंट था, दोनों तरफ तालिबान भी ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहे थे इंग्लिश, एंड ये भी फौजी, ब्रिटिश फौजी भी बेसिकली वाज ट्राइंग टू से कि कितने पाकिस्तानी और अफगान ब्रिटिशर्स वहां पे ज्वाइन किए हुए थे। तो यू आर गोइंग टू हैव द सेम सिचुएशन ऑफ डिविजन ऑफ पावर। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान शुड नॉट, पाकिस्तान इनसे अकेले नहीं निपट सकता, इट विल नीड इंटरनेशनल हेल्प। और द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स आर इंडिया एंड यूएस। यूएस तो करेगा मदद, यूएस ने खुलेआम कह दिया है मदद करेगा। इंडिया हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी इंटरेस्ट। इंडिया का कहना है कि बेसिकली ये कर्मा है, दैट इज सीम्स टू बी द पॉलिसी इंडिया की, ये पाकिस्तान ने इनको पाला है, अब ये इनको काट रहे हैं। वो स्नेक्स वाली एनालॉजी बार बार इस्तेमाल की जा रही है, बिल्कुल। बट आई हैव अ फीलिंग के अगर देखिए, अगर जंग होती ना, वो टीटीपी डिग्रेड होने से पहले और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो, क्योंकि जो लोग बॉर्डर पे है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए, अगर पाकिस्तान की फौज उन पे अटैक करती है, उनके लोग मारे जाएंगे, तो इनिशियली दे विल गेट मोर सपोर्ट, इट विल बिकम ए स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन। फिर उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली उनको टारगेट करें, तो दे विल बी डिग्रेडेड इन देयर कैपेसिटी। तो उस सूरत हाल में आई थिंक दे विल पूरे रीजन में, अगर आप भगा दिए ना उनको, मारे तो एक बार, लेकिन पाकिस्तान मारेगा नहीं, उनको भगाएगा, तो वो भागेंगे कहाँ? अब बाजुओं के मुल्क में दे विल बी रीजनल, बिल्कुल हाँ। लेकिन सर अब ये ज्यादा डेंजरस हो गए, क्योंकि अगर इन्होंने मैप भी इस किस्म का इशू किया है, तो मेरा ख्याल है कि भारत को भी थोड़ा सा जो अलर्ट हो जाना चाहिए। मगर साथ साथ पीएम मोदी का कहना है कि वर्ल्ड इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, आप किस तरह देखते हैं इसको? यानी कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की ही बात हो रही है। तो मतलब देखिए, पिछले जब से कोविड हुआ है और ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन के जो
ग्लोबल सिस्टम्स है वो डिसरप्टेड हो गए हैं, मतलब हलबली मच गई है। तो इस हलबली मचने के कई वजूहत है। एक जो है सो कोविड था, जिसके वजह से प्रोडक्शन इकोनॉमीज पे असर हुआ। फिर उसके बाद जो सप्लाई चेन्स काफी डिसरप्ट हो गए, तो उसके वजह से इन्फ्लेशन हो गया। तो ये सारी चीजें हैव कॉज अ डिसरप्शन। दूसरी, फिर वही चीजों पे जो रशिया यूक्रेन की जंग है उस पे हुआ, और उससे जो है सो फूड इनसिक्योरिटीज बढ़ गई, खासतौर पे ग्लोबल साउथ में, फर्टिलाइजर्स का और फ्यूल, ये तीन एस जो नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे। तो तीसरी चीज ये हो गई है कि इट इज ऑल्सो एक इशारा हो रहा है कि अमेरिका का दुनिया में जो इन्फ्लुएंस था, कंट्रोल था, वो डिक्लाइन हो गया है, वरना ये जंग नहीं होती। इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपके शहर में दंगे हो रहे हैं तो उसका मतलब ये कि गवर्नमेंट कमजोर हो गई है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मुल्क में, इसलिए दंगे हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, रोड पे लड़ रहे हैं। तो दुनिया वैसी हो गई है कि जंगे चल रही है एंड द कॉप इज नॉट एबल टू कंट्रोल। तो ये जो चार पांच चीजें हैं, ये एक किस्म से जो हलबली मचा दी है ग्लोबल सिस्टम में। तो यूं कहिए कि आपने पांच छह चीजें डाल दी है बॉटल में, हिला रहे हैं, यू डोंट नो कि शरबत निकलेगा या क्या निकलेगा। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। दो चीजें उन्होंने कही है, एक कि ये जो इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी है, हमको पता नहीं कि ये कब तक रहेगी। सो 224 में 225 या चलते रहेगी और दो तीन साल, जिसके वजह से इकोनॉमीज विल सफर, कई नुकसान दुनिया के होंगे। दूसरी चीज ये है कि जब ये थम जाएगी, जब स्टेबलाइज हो जाएगी दुनिया, तो कैसे लगेगी उसका भी हमको अभी पूरी तरह से झलक नहीं है। वी कैन से कि इट विल नॉट लुक लाइक 2019, बट वी डोंट नो कि हाउ विल इट लुक लाइक। तो इन ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये बाज लोगों के लिए नुकसानदेह है और बाज लोगों के लिए फायदेमंद है। एंड इंडिया इज बेटिंग कि इंडिया के लिए ये फायदेमंद होगा ये ट्रांजिशन, कि इंडिया इज गोइंग टू कम आउट मच बेटर इन 2023-25। जब भी ये टर्बुलेंस खत्म होता है, एट द एंड ऑफ द टर्बुलेंस, इंडिया विल बी बेटर पोजिशन देन इट वाज इन द बिगिनिंग। और हो सकता है द लूजर्स माइट बी यूएस एंड चाइना दोनों, इवन दो कह रहे हैं कि ये दो ग्लोबल सुपर पावर है, हो सकता है दोनों का स्टैचर डिमिनिश हो जाए और इंडिया का एलिवेट हो जाए। बट ग्लोबल साउथ के साथ क्या होगा, हमारे मसल। तो उनका बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारी ट्रेन तो चल पड़ी, आप चढ़ जाए ट्रेन में, पैसेंजर्स बनकर तो ट्रेन पे चले। दैट्स व्हाट द यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस ये है। लेकिन उसमें चक्कर ये है, इट्स लाइक सेइंग कि आप स्टेशन पे फंसे हुए हैं, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक ही ट्रेन जा रही है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप वहां जाना चाहेंगे जहां ये ट्रेन जा रही है? ये सवाल है पूरी ग्लोबल साउथ के लिए, डू दे वॉन्ट टू गो वेयर इंडिया इज वॉन्ट्स टू टेक द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया कह रही है ये मेरी ट्रेन पे आए तो मैं मजबूत हो जाऊंगा, आई हैव अ लॉबी ऑफ 120 कंट्रीज, यूएन में मेरे साथ ये वोट करेंगे और ट्रेड बढ़ेगा, तो इंडिया के लिए इट्स गोइंग टू बी क्वाइट प्रॉस्परस। सो दैट इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही जबरदस्त है, इतना एंड नो कॉस्ट पे हुई, इट्स अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, बट इसका एजेंडा सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखें उसमें जो चीजों का डिस्कशन हुआ, ही इज एम्फसाइज्ड डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस वगैरह। तो इंडिया की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको वो वहां पे बेसिकली पेश कर दिए। इट्स लाइक सेइंग के आओ ये मेरी दुकान है, दीज आर द बेस्ट थिंग्स आई हैव इन माय शॉप, वी कैन हेल्प यू विद दिस, वी कैन हेल्प यू विद दैट। सो आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ मार्केटिंग इंडिया टू द ग्लोबल साउथ। और एक किस्म से एक दिलचस्प बात और काफी इंटरेस्टिंग बात कही, ही सेड वी आर विलिंग टू शेयर विद आवर ब्रदर्स, उन्होंने लव ब्रदर्स यूज किया, विद द ग्लोबल साउथ हमारे डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस। आप तो तीसरा मॉडल आ गया है अब इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक तो वेस्ट का लिबरल डेमोक्रेसी का मॉडल है, फिर चाइना का अथॉरिटेरियन रैपिड ग्रोथ है, अब इंडिया कह रहा है कि हम आपको हमारे एक्सपीरियंस देंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम रोल मॉडल बन गए हैं अब। नाउ इंडिया इज आल्सो प्रेजेंटिंग द इंडियन मॉडल फॉर डेवलपमेंट।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर पाकिस्तान के लिए तो बार बार यही कहा जा रहा है कि 2023 काफी टफ रहेगा, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो या चाहे सिक्योरिटी रीजंस को लेकर हो, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से बात चलती है। और आपसे तो हम बिल्कुल इन टच रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान का नक्शा लेकर उसको रीड्रॉ करें एज इफ इट इज इंडिया, तो वो लगेगा पंजाब, गुजरात और यूपी, उस तरह लगेगा ना। तो आई थिंक दोज प्रोविंसेस शुड ट्राई टू फॉलो द इंडियन स्टेट्स के मॉडल। अगर पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब ट्राइज टू फॉलो द पंजाब मॉडल इन इंडिया, सिंध ट्राइज बिल्कुल टू कॉपी द इंडियन गुजरात मॉडल, तो देर कुड बी सम लर्निंग। ये जो इंडिया ये कह रहे हैं ना मोदी सरकार के, हमारा एक्सपीरियंसेस सीखे, इंडिया के एक्सपीरियंसेस आर यूनिक। और देखिए, इंडिया हमेशा से रिसोर्स रिच, ह्यूमन रिसोर्स रिच रही है, लेकिन कैश रिच नहीं रही है ना। सो इट इज अ वेरी गुड मॉडल फॉर डेवलपमेंट के गरीब मुल्क किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके। तो पाकिस्तान भी इज रिच इन ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब इन बिल्कुल टर्म्स ऑफ ये 250 मिलियन के करीब लोग हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया इफ दे फॉर, बट उसके सारी चीजों के लिए मूड कोऑपरेशन का हो। अब फिल वक्त तो मूड कॉन्फ्लिक्ट का है, तो अगर जब तक आप मूड नहीं बदले हकीकत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए सर। इसीलिए हम आपसे और आप जैसे लोगों से बात करते रहते हैं कि शायद थोड़ी बहुत यहाँ भी किसी को कुछ समझ में आए, और कोई खास तौर पे उन लोगों को जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बात को समझें, ताकि पाकिस्तान भी इन क्राइसिस से बाहर निकल सके। थैंक यू सो मच सर कि आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।